वैसे एनिमेशन के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन क्या आप मोशन ग्राफिक के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? यानी कि क्या आपको पता है कि मोशन ग्राफिक एनिमेशन का ही टाइप है जिसमें टेक्स्ट मेजर कंपोनेंट हुआ करता है, और एनिमेटेड ग्राफिक डिजाइन को मोशन ग्राफिक्स कहा जा सकता है। इसमें साउंड भी होता है और मोशन भी, और ग्राफिक डिजाइन तो होती ही है, और इन तीनों का परफेक्ट मिक्स मोशन ग्राफिक कहलाता है। इनका यूज एडवर्टीजमेंट्स, वीडियोस के टाइटल सीक्वेंसेस और एक्सप्लेनर्स एटसेट्रा में होता है। अब ये सुनकर शायद आप इस टर्म से ज्यादा फेमिलियर फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना है। और ऐसा हो भी सकता है क्योंकि डिजाइनिंग फील्ड में मोशन ग्राफिक्स एक नया ट्रेंड है, और जहां वेब डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनर जैसे डिजाइनर्स काम कर रहे हैं, वहीं मोशन ग्राफिक डिजाइनर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और आपको ये जानकर के बड़ी खुशी होगी कि जो डिजाइनर आर्टिस्ट हर दिन कुछ नया और इंटरेस्टिंग क्रिएट करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये मोशन डिजाइन फील्ड राइट चॉइस साबित हो सकता है। इसलिए अगर आप भी कुछ ऐसा ही इंटरेस्ट रखते हैं और अपना करियर मोशन ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर शुरू करना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो जरूर से देखिए, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि एक मोशन ग्राफिक डिजाइनर कैसे बना जाए, और इससे रिलेटेड कोर्सेज, स्किल्स और सैलरी पैकेज जैसी सारी जरूरी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये जानते हैं कि मोशन ग्राफिक डिजाइनर क्या काम करते हैं। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर वेब, फिल्म और टेलीविजन के लिए आर्ट वर्क क्रिएट करते हैं, और ये आर्ट वर्क मूवी क्लिप्स, ट्रेलर्स, कमर्शियल्स और टाइटल सीक्वेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। विजुअल इफेक्ट्स, एनिमेशन और सिनेमेटिक टेक्निक्स का यूज करके मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं। और जिस तरह से डिजिटल वीडियो कंटेंट तेजी से इंक्रीज हो रहा है, मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स की डिमांड भी बढ़ती ही जा रही है। ओके, लेकिन ये आर्टिस्ट या डिजाइनर्स वर्क कहाँ करते हैं? तो इसका जवाब ये है कि मोशन पिक्चर और वीडियो इंडस्ट्रीज में तो मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट वर्क करना ही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ टीवी स्टेशंस, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, टेक्निकल एंड साइंटिफिक सर्विस एजेंसीज भी अच्छे मोशन आर्टिस्ट को अपॉइंट करती है। आजकल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को हायर करने लगी है, क्योंकि वो ऐसे एक्सप्लेनर वीडियोस डिजाइन करते हैं जो बिजनेस के लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं, और इसके जरिए बिजनेस में खुद को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस टाइपोग्राफी, वीडियो एडिटिंग और प्रोमो जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए मोशन ग्राफिक्स आर्टिस्ट के साथ वर्क करती हैं। इनके अलावा गेमिंग एंड वीडियोस प्रोडक्शन टीम में वर्क करना भी मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट को पसंद आ रहा है। मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स की डिमांड मेनली एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, मल्टीमीडिया हाउसेस, सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज और फिल्म, मूवी और एनिमेशन स्टूडियोज में रहती है। बहुत से मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर्स फ्रीलांसर के तौर पर भी वर्क करते हैं, यानी अगर आपको 9 to 6 वाली जॉब पसंद नहीं आती, तो आपके लिए ये फ्रीलांस सेटअप भी अच्छी अर्निंग बना सकता है। ओके, तो कहने का मतलब स्कोप और जॉब ऑप्शंस तो काफी सारे हैं, लेकिन एक मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के लिए स्किल्स की बात की जाए तो क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए? तो इसके लिए आपको मोशन और टाइमलाइंस की समझ होनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स रखने के साथ साथ आपका मल्टीटास्किंग होना भी जरूरी है। आपको टेक्सचर और लाइटिंग इफेक्ट्स को यूज करना अच्छे से आना चाहिए। मैसेज, मीडियम और ऑडियंस को समझ करके मोशन ग्राफिक क्रिएट करना आना चाहिए। आपका अडोबी फोटोशॉप, अडोबी इलस्ट्रेटर, सिनेमा 4D, फाइनल कट प्रो, फ्लैश, अडोबी प्रीमियर प्रो, अडोबी आफ्टर इफेक्ट और स्केचिंग में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। और आप में टीम वर्क स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल्स तो होनी ही चाहिए। स्किल्स के अलावा कोर्सेज के बारे में जाने तो मोशन ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपको मोशन ग्राफिक्स में डिग्री कोर्स करना चाहिए, ताकि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में आपके लिए अपनी जगह बनाना थोड़ा आसान हो सके। मोशन ग्राफिक कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक इंटरनेट यूजेस नॉलेज, बेसिक टाइपिंग स्किल्स, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स होनी भी जरूरी होंगी। और इन सारे कोर्सेज के लिए आपको कई ऑफलाइन और ऑनलाइन ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, जैसे कि DICE एकेडमी न्यू दिल्ली, ADMEC मल्टीमीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दिल्ली, माया एकेडमी ऑफ एडवांस्ड सिनेमैटिक्स यानी कि MAAC नागपुर से आप ऑफलाइन कोर्स कर सकते हैं। तो यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल शेयर, प्लूरल साइट और डोमेस्टिका पर आपको ऑनलाइन कोर्सेज के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ऑनलाइन कोर्सेज में यूडेमी के ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, बिकम अ मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट द कंप्लीट गाइड, मोशन ग्राफिक्स डिजाइन एंड फ्लैट एनिमेशन इन आफ्टर इफेक्ट्स CC, आफ्टर इफेक्ट्स मोशन ग्राफिक्स बीस्ट, आफ्टर इफेक्ट्स CC 2020 कंप्लीट कोर्स फ्रॉम नॉविस टू एक्सपर्ट। इसी तरह लिंक्डइन लर्निंग का कोर्स है सिनेमा 4D S22 एसेंशियल ट्रेनिंग मोशन आर्टिस्ट। स्किल शेयर के कुछ कोर्सेज हैं, द बिगिनर्स गाइड टू आफ्टर इफेक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, गेट स्टार्टेड विद मोशन ग्राफिक्स। प्लूरल साइट के कोर्सेज में शामिल है गेटिंग स्टार्टेड विद मोशन ग्राफिक्स फॉर न्यूक, माया मैश मोशन ग्राफिक्स। और डोमेस्टिका के कुछ कोर्सेज हैं,
इंट्रोडक्शन टू आफ्टर इफेक्ट्स, इंट्रोडक्शन टू मोशन डिजाइन एंड एनिमेशन कर्व्स एंड आफ्टर इफेक्ट्स। इनमें से कुछ कोर्सेज फ्री हैं तो कुछ कोर्सेज पेड हैं, लेकिन इनकी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। ज्यादातर कोर्सेज 500 रुपए से भी कम में है तो कुछ कोर्सेज की कॉस्ट 1400 रुपए तक है। अब अगर ये जाने कि मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर को कितना सैलरी पैकेज मिलता है, तो लेटेस्ट ट्रेंड के बेस पर ये एवरेज अमाउंट फ्रेशर के लिए 3 से 4 लाख पर एनम हो सकता है। वहीं 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर 6 से 12 लाख पर एनम की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इंडिया की कुछ फेमस कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस में मिलने वाली मंथली सैलरी जाने तो ये कुछ इस तरह होती है। बायजूस में मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर को अप्रोक्स 37,000 पर मंथ सैलरी मिलती है, अपग्रेड में लगभग 69,000 पर मंथ और एडियोफिक डिजिटल में 30,000 पर मंथ सैलरी मिला करती है। और अब मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद और इस एरिया में, इस फील्ड में करियर पॉसिबिलिटीज को समझ लेने के बाद, अगर आप भी अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से अपनी पसंद की एकदम नई और खूबसूरत दुनिया डिजाइन करने को तैयार हैं, तो आप भी एक मोशन ग्राफिक्स डिजाइनर बन सकते हैं। और इस दौरान आपको ये याद रखना होगा कि इस क्रिएटिव वर्ल्ड में कदम रखने से पहले आप पूरी तरह से श्योर हों कि आप इस फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हैं। आपके पास ऐसी क्रिएटिव स्किल्स है जो इस डिजाइनिंग वर्ल्ड में आपको आगे बढ़ा सकती है। आप लगातार अपनी स्किल्स को एनहेंस भी करते रहेंगे, लेटेस्ट डिजाइनिंग ट्रेंड से अप टू डेट रहेंगे और स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस लेने के लिए थोड़ा कम सैलरी पैकेज में भी सीखने को तैयार हो पाएंगे। तो आपके लिए ये डिजाइनिंग वर्ल्ड सपोर्टिव साबित हो सकेगा और डिसअपॉइंटमेंट होने के बजाय आप अपने इम्प्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ अपनी ड्रीम कंपनी में अप्लाई करने के लिए भी बहुत जल्द तैयार हो जाएंगे। इसलिए मोशन ग्राफिक्स डिजाइन वर्ल्ड को अच्छी तरह समझिए, इस वीडियो की हेल्प लीजिए और फिर अपने लिए इस करियर ऑप्शन की वर्थ को पता लगाइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताइए कि क्या ये आपके लिए सूटेबल करियर ऑप्शन है या नहीं। साथ ही साथ पूरी क्विक सपोर्ट टीम की मेहनत आपको कैसी लगी उसके बारे में जरूर से 2 शब्द 2 लाइन 10 लाइन जितना आप लिखना चाहे जरूर लिखिएगा। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और जितने नए लोग आज हमसे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमेशा ऐसी जानकारियों से आप अपडेट रहना चाहते हैं तो क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।